वालों को क्या लग, बीजेपी नेता अखिलेश यादव आए वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है, इसी वजह से मैंने यही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अब नौबत तो ये आ गई है कि जुबानी जंग स्याही और जूतों तक पहुंच गई है। अब इस बीच नया मोड़ सामने आया है जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। घोसी उपचुनाव में सपा भाजपा में सीधी टक्कर है, लेकिन इस सीट पर एक और दल अपनी दावेदारी ठोक रहा था, वो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, जिसने अरविंद राजभर नाम के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब इस उपचुनाव में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। आज हमारे नेतृत्व हम लोगों के नेता माननीय महेंद्र राजभर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के पार्टी के, आज सर्वसम्मति से जो उपचुनाव घोषित का हो रहा है उसमें बहुत ही जमीनी नेता हम लोग बड़े भाई सुधाकर सिंह जी, जिन्होंने जब से राजनीति 42 साल से राजनीति कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं का आपने स्नेह प्रेम पाया है और घोसी की आवाज भी है कि घोसी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, कैंडिडेट जीतना चाहिए, जिसके तहत इनसे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं। क्या वजह आगे ये समर्थन देना पड़ा? कोई वजह नहीं, इनकी मासूमियत, इनको इनकी कार्यकर्ताओं में पकड़ और जो जिस तरह का इनका सहयोग रहा है सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को, एक तरह से आवाज आ रही सुधाकर सिंह, उसी के तहत अच्छे नेता का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आपने भी तो अपना कैंडिडेट उतारा था, आपने देखा ही शासन के इशारे पर यहाँ जो दो नेता हैं, माननीय दारा सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनके गड़बड़ी की वजह से यहाँ से जाना, जिस दिन हमारे कैंडिडेट माननीय अरविंद राजभर जी ने पर्चा भरा था उसी दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ जाकर के शासन के ऊपर दबाव बना करके हमारे कैंडिडेट माननीय अरविंद राजभर जी का पर्चा कैंसिल करवाने का काम किया। दरअसल इस उपचुनाव के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने अरविंद राजभर नाम के शख्स को अपना कैंडिडेट बनाया था, मगर नामांकन पत्रों की जांच के बाद अरविंद राजभर का पर्चा खारिज कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा और सुभाषपा पर आरोप लगाया गया है। पर्चा खारिज होने के बाद सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं के द्वारा षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का नामांकन खारिज कराया गया है। इसके बाद सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर बलिराज राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर की मौजूदगी में पार्टी की कोर कमेटी की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब पार्टी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह का समर्थन करेगी। सोमवार को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के घोसी स्थित कार्यालय पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। सुधाकर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय सुहेल, जिंदाबाद, जय जय सुहेल। वही सपा प्रत्याशी ने कहा कि हम तो पहले ही इस चुनाव को जीत रहे थे, अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के आ जाने से दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बलिराज राजभर ने कहा कि यहां के दो नेता दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर ने शासन के ऊपर दबाव बनाकर हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराने का काम किया है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यहां की जनता उनको जवाब देगी। और सारे लोग इकट्ठा होकर इनकी प्रदेश स्तर की पार्टी है, महेंद्र यादव, महेंद्र राजभर जी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, जब सब लोग एक थे, लेकिन
आजीज होकर के परेशान होकर के इन्होंने अलग पार्टी बनाई जो आज प्रदेश के राजभर आज महेंद्र राजभर के साथ। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव ने बताया कि सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने अपना संपूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। महेंद्र राजभर लोगों के दुख दर्द में अपने जीने मरने में साथ रहने वाले नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। जहां पिछले चुनाव में सुभाषपा ने सपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को समर्थन देकर जिताया था और इस बार भी सुभाषपा अपना समर्थन दारा सिंह चौहान को दे रही है, पर इस बार सुभाषपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है जिससे भाजपा की सीट पक्की मानी जा रही थी, पर सपा की नैया के पालनहार बन सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आगे आई है जिससे एक बार फिर मुकाबला कड़ी टक्कर का हो गया है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।